सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम से रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस साइकिल। याद रखिएगा, फॉस्फोरस साइकिल रिप्रेजेंट सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन इट इज इक्विलिब्रियम विथ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्वर फॉर गैसियस टाइप ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल एग्जिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा एटमोसफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमंस। डैश इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अप्रॉक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डेट फॉल्स ऑन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2-10% ऑफ सोलर एनर्जी डैट फॉल्स ऑन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का कभी कभी आप लोगों से डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो या फिर नीट का पेपर हो। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज टर्म्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डैश ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिट्रियस फूड चेन, तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिट्रियस फूड चेन। यानी कि अगर कोई भी एनिमल मरता है, जैसे कि काउ मर गई तो उसमें डिकम्पोजर्स लगेंगे, क्रो आएंगे, तो वो सब दूसरे के फूड बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। सो होपफुली ये वीडियो आपके काम की रही होगी स्टूडेंट्स, एंड होपफुली इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने और क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है, जो कि नीट के पेपर में आपसे पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।